आगरा लॉन्च हुआ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ओहाम का ट्रेलर 26 मई को देशभर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अगर शादी के बाद किसी की जीवन संगिनी एक दिन अचानक से गायब हो जाए और लाख कोशिशों के बाद भी उसका कोई भी सुराग ना मिले तो उस पति की मानसिक हालत को समझा जा सकता है। अब इसी विषय पर बनी रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ओहाम का ट्रेलर हाल ही रिलीज किया गया, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। यूं तो किसी गुमशुदा शख्स और गुमशुदा व्यक्ति की तलाश को लेकर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ओहाम उन सभी फिल्मों से काफी अलग किस्म की फिल्म है। ऋचा गुप्ता द्वारा निर्मित और अंकित हंस द्वारा निर्देशित फिल्म ओहाम में वरुण सूरी, दिव्या मलिक और हृदय सिंह अहम और सशक्त किरदारों में नजर आएंगे। इस फिल्म के लेखक हृदय सिंह और महेश कुमार है, जबकि एक एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर मुकुल वर्मा ने फिल्म में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। फिल्म ओहाम के ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता देखी जा रही है। फिल्म की कहानी, ट्रीटमेंट, सस्पेंस और डायरेक्शन, कलाकारों का अभिनय, सभी कुछ दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में कामयाब साबित होगा। यह पूरी तरह से एक पैसा वसूल फिल्म है। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ समीर खान की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। नाम कैसे जहन में आया और ओहाम का मतलब क्या, किस तरीके से, किस फिल्म, जो फिल्म है किस उस पर आधारित है? पहला क्वेश्चन आपका यह है कि ओहाम का नाम दिमाग में कैसे आया, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि ओहाम है क्या। देखिए, ओहाम है क्या ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो ये मूवी आपको जवाब देगी। यही चीज़ हमने इसमें एक सस्पेंस रखा हुआ है इस नाम का, कि ओहाम है क्या, ये आपको जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और इस नाम का जहन में कैसे आया पता नहीं। आई थिंक जब पूरी मूवी बन रही थी, लिख रहे थे, तो हमने बहुत रिसर्च करी, नामों पे बहुत रिसर्च करी और हम इस नाम पे पहुँचे। लेकिन मैं इसका मतलब नहीं बता सकती, क्योंकि मतलब जानने के लिए आपको मूवी देखनी है। अच्छा, ये अभी जो ट्रेलर आपने दिखाया, जी जी, उसका पूरी मूवी में समझ में आ रहा है कि भारत पर वो मिसिंग है जी, और वो मिसिंग स्टोरी को लेकर आप लोग करें, सस्पेंस इस मामले के लिए जी। कई सारी पूर्व ऐसी फिल्म आई है, इस फिल्म में सस्पेंस के मामले में क्या लग रहा है? इस मूवी में सस्पेंस के मामले में ये अलग रहेगा कि स्टोरी और कंटेंट पे बहुत काम हुआ है। हमारी इस मूवी का हीरो ही स्टोरी है, और हर 5 मिनट के बाद एक ट्विस्ट और एक टर्न है। इसी चीज़ को हमने इस मूवी में, इस सारा प्लान हमने करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए गुलदस्ते की तरह, ताकि जब आप एक एक फूल, एक एक चीज़ खोलते चले जाएँगे तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इससे ये क्वेश्चन का आंसर मेरे से ज़्यादा अच्छा डायरेक्टर साहब देंगे। तो सर जी, जी बिल्कुल सर जी, आपने ये फिल्म डायरेक्ट की है जी, सस्पेंस क्राइम बेस्ड स्टोरी है जी, इसमें और कुछ नहीं है तो क्या सर? इस ये सिर्फ क्राइम वाली नहीं है, इसके अंदर आपको रोमांस भी दिखेगा, आपको कॉमेडी भी दिखेगी, आपको एक्शन भी दिखेगा, यस आपको सस्पेंस भी। ये एक अच्छे खासे बॉक्स में ना पड़ा हुआ मटेरियल है, जो 26 को ना एकदम हटने वाला है। हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, जैसे मैम ने भी बोला कि हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपको ट्विस्ट नज़र आने वाला है फिल्म के अंदर। जहां आपने बोला अरे फिल्म तो ये चल रही है, वहीं 2 मिनट बाद आप खुद को बोलोगे नहीं, मैं गलत था, कुछ और ट्विस्ट अभी फिल्म में बाकी है। तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत सारे सस्पेंस हैं, बहुत अच्छे से हमने कोशिश करी है इसको बनाने के लिए। बाकी ऑडियंस कैसे उसको पसंद करती है, कंपटीशन का दौर है ऐसे में, क्या उम्मीद है आपको? कंपटीशन सर, हमारा कंपटीशन हम खुद ही आए थे, हम खुद हैं क्योंकि हम अपनी मेहनत, मतलब बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि खुद को ही इतना बुलंद करो कि सामने वाले की जरूरत ना पड़े। मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि खुद को ही इतना बिल्ड करते चलो। मैसेज क्या देती है फिल्म, अगर पत्नी से क्यों देखे जाने पर, हाँ जी, मनोदशा खराब हो जाती है जी 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 सत्य
सर देखिए तो सर ये तो स्टोरी ऐसी है, हमने स्टोरी में जो लड़की है जो वाइफ है उसको मिसिंग दिखाया। हाँ जी हाँ जी, अभी जो मूवियाँ चल रही हैं बड़े बजट की मूवी जा रही हैं, हाँ जी, ऐसे में आपकी जो मूवी है उसे कम बजट की जी सबसे अभी फिलहाल में जो इशू है कि कम बजट की मूवी में बड़ा अच्छा काम जी, आप मानते हैं ऐसा होगा? सर बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैम ने कहा कि हमारी फिल्म का जो हीरो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी है, हमने स्टोरी के दम पे जिस दिन हमारे को स्टोरी सुनने में आई थी ना उस दिन से हम इस प्रोजेक्ट पे काम पे लग गए थे, और आई थिंक स्टोरी हिट होगी ना हम सब हिट हो जाएंगे। कितने घंटे की मूवी है सर? 2 hours 18 मिनट्स समवेयर, फुल मूवी है, फुल फीचर फिल्म है। जी मेरी ये पहली फिल्म है और इससे पहले मैंने काम किया है पर इतना बड़ा काम नहीं किया है, ये मेरी पहली। जी मेरा रोल एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की का है जो कि अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी बेटी और अपने पति के साथ बहुत खुश है। रिया एक माँ है, एक पत्नी है, वो दोस्त है, वो बेटी भी है, वो बहन है, तो वो अपने रिश्तों में अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी छोटी छोटी खुशियों में उसके लिए बहुत है। और जैसा कि मैम ने भी कहा कि हमारी स्टोरी ये ही हमारी USP है, तो इतनी दमदार कहानी के साथ और इतने सारे हम इस फिल्म में इतने ढेर सारे इमोशंस है, प्यार है, दर्द है, हंसी मजाक है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोगों को जरूर पसंद। समाज को क्या क्या मार्गदर्शन करेगी, क्या दिशा निर्देश देगी, क्या मैसेज है, क्या मैसेज देगी समाज? जी वो तो आपको 26 मई को पता चलेगा, आप लास्ट फ्रेम तक ये मूवी देखिए, आप हर 2 मिनट में ट्विस्ट एंड टर्न्स देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बताएंगे? हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या रोल है? सर मेरा हस्बैंड का रोल है, जो लड़की जो वाइफ मिसिंग है उनके हस्बैंड का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, और जब वो मिसिंग हो जाती है, एक साधारण लोगों की कहानी है लेकिन एक असाधारण घटना हो जाती है जिसकी वजह से एक ऐसे कॉप की ज़रूरत पड़ती है जो दिमाग से बहुत तेज है, क्योंकि आम आदमी या आम पुलिस वाला उसको समझ नहीं पा रहा उस केस को। तो जब यशवंत गौर की उसमें एंट्री होती है तो दोनों जब मिलकर उस सफ़र पे निकलते हैं तो पता लगता है ये केस उतना आसान नहीं है जितना ये लग रहा था। और कहानी में जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या खास है, खास यही है सर, साधारण लोगों की कहानी है लेकिन एक असाधारण घटना में साधारण लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या कर गुजरते हैं, वही सर हमारी कहानी। ये बता दीजिएगा रिलीज होने वाली है? ये रिलीज़ कहाँ कहाँ होने वाली है ये तो प्रोड्यूसर मैम ही बता पाएंगी, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। मुंबई क्या है, किस तरीके से? हाँ जी, मेरा एक कॉप का कैरेक्टर है जो हाथ से ज़्यादा दिमाग से काम करता है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज, जो जज्बात, जो एक्सप्रेशन सामने वाले के होते हैं वो पकड़ता है, उस पर काम करता है। ये कैरेक्टर अभी तक जितनी भी हमने मूवीज़ देखी है सस्पेंस थ्रिलर में ऐसा कैरेक्टर नहीं है। नॉर्मली डिटेक्टिव को हम ऐसा दिखाते हैं, लेकिन एक UP पुलिस का बंदा छोटे इंटीरियर जगहों पे जाकर वो अपना रुतबा और जो धौंस के दम पर केस सॉल्व नहीं करता, जबकि वो अपने दिमाग से, अपनी इंट्यूशन से और अपनी समझ से ये केस सॉल्व करता है, और कैसे कैसे इस केस में पड़ाव आते हैं, कैसे कैसी चीज़ें होती है। जितनी ये सिंपल ट्रेलर में दिख रहा है उतनी सिंपल है नहीं ये स्टोरी, क्योंकि जब मेरे पास ये स्टोरी आई थी तो मैंने सबसे पहले सवाल यही किया था डायरेक्टर अंकित हंस से कि ये बनाओगे कैसे। पेपर पे लिखना आसान है, आपको एक नक्शा बना दो कुछ भी, लेकिन उसको बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, तो ये बनाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अलग अलग जगहों से थी। तो हमने ये कर दिखाया, हमें हालांकि 2-2.5 साल लगे लेकिन बढ़िया तरीके से हो गया। यूपी पुलिस दिमाग से काम नहीं करती? नहीं बिल्कुल करती है, लेकिन लेकिन साथ साथ जिस तरीके का क्राइम होता है उस हिसाब से होता है। हर केस को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी डंडा उठाया जाए, हर बारी गुस्से में काम किया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें प्यार से होती है। जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ तलवार इस्तेमाल कीजिए, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई इस्तेमाल कीजिए।